गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास एट का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसका 6.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो, हमने पहले भी देखा था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। अगर हम साइड को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लें इस तरह के, तो वन अगर साइड वन है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 × 1 यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही 2 का 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, 8 × 8 64 हो जाएगा। अगर हम साइड की जगह ए ले ले तो इसका मतलब क्या होगा, a × a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होते हैं। तो नंबर जो हमारे स्क्वायर करने के बाद आए, जैसे 1, 4, 9, 25, 16, ये सब हमारे स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। और इन स्क्वायर नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर की। हमने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर निकाले, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324, 19 19 361, और 20 20 400। हम इन नंबरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर जो हैं, इनमें लास्ट में या तो 0 है, या 1 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, और या 9 है। इनके सिवाय इनके यूनिट प्लेस पे कोई दूसरा नंबर नहीं है, यानी जिन नंबर के आखिर में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा वो हमारे स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। चलो हम इसको देखते हैं, ट्राई दिस का क्वेश्चन है। कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। अभी हमने देखा था 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर यूनिट प्लेस पे हैं तो ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब देखो इसके 7 है, 7 तो यहाँ नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 3 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अभी इसको चेक करना पड़ेगा। ये 1 है इसके आखिर में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको चेक करना पड़ेगा। बाकी और प्रॉपर्टी में हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, हम इनको देख कर ही बता सकते हैं। अब देखो, राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड बाई लुकिंग एट देयर वंस डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। तो ये तो हमें जिन नंबर के आखिर में ये नंबर नहीं होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे नंबर हमने देखो, ये 4 नंबर तो मैं दे रखे हैं, दूसरा एक आखिरी नंबर मैंने 1000 ले लिया। इसमें 0 जो है वो कितने, 3 है, ऑड नंबर में 0 है। तो अगर 0 इवन नंबर में होते तो परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर 0 ऑड नंबर में तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस तरह हमने ये 5 नंबर चुने हैं। अब देखो, राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग द यूनिट डिजिट वेदर दे आर स्क्वायर नंबर और नॉट। हमें ऐसे 5 नंबर बताने हैं जिसमें यूनिट डिजिट को देख कर ही तुम बता दोगे कि वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वो तो हमारा पास पता है कि ना है, जैसे कि हमारे पास 9 है, 9 हमारा जो है, 9 हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में आता है। जैसे 7 7 49 होता है, लेकिन 69 हुआ, 79 हुआ, 39 हुआ, 19 हुआ, 29 हुआ, 59 हुआ, इनमें 9 तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी देखो, फॉलोइंग आर स्क्वायर नंबर्स एंड विद 1। अब ये देखो, 1 का ये स्क्वायर नंबर 1 है, इसके लास्ट का यूनिट डिजिट 1 है हमारा, है 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, इसमें भी लास्ट डिजिट 1 आएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, इसका भी लास्ट डिजिट 1 है। 19 का स्क्वायर करा तो 361 आया, इसमें भी लास्ट में 1 है। 21 का स्क्वायर करा, 441 आया, इसमें भी लास्ट में 1 है। इसका मतलब ये है कि अगर
किसी नंबर के आखिर में यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर के जो स्क्वायर नंबर है उस वो 1 में ही एंड होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 और 9 है, देखो 1 और 9 में एंड हो रहा है तो इसके स्क्वायर नंबर में 1 ही आएगा। अब बताओ इसमें विच ऑफ दीज वुड एंड विद डिजिट 1, तो इसमें कौन सा डिजिट 1 में एंड होगा। देखो ये 2 है, ये 1 में एंड नहीं हो सकता, ये भी 1 में एंड नहीं हो सकता, ये भी 1 में एंड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं होगा, तो ना आंसर है इसका, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे नंबर जो 6 में एंड होते हैं, जैसे 4 4 16 होता है, 6 6 36 होता है, यहाँ 14 है इसमें भी 6 आ रहा है, और यहाँ पर 6 यहाँ पर भी 16 में 6 है तो इसमें भी लास्ट में 6 आ रहा है। तो यानी अगर किसी नंबर के आखिर में 4 है और 6 है तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस जो होगा वो 6 ही होगा। अब देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव डिजिट 6 एट देयर यूनिट प्लेस, इसमें किस किस के यूनिट प्लेस पे 6 डिजिट होगा। तो देखो यहाँ 9 है तो इसमें नहीं हो सकता, 4 4 16 ये हो सकता है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, 6 वाला हो सकता है, 6 वाला हो सकता है और 4 वाला हो सकता है। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा कि किसके आखिर में 6 आएगा, किसके आखिर में नहीं आएगा। अब देखो व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर के स्क्वायर में वंस डिजिट क्या होगा। देखो इसका आखिर में 4 4 16 यानी 6 है वंस डिजिट, इसमें 0 है तो 0 ही होगा, यहाँ 7 है, 7 7 जा 49 है तो इसके आखिर में 9 होगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4 है तो इसके आखिर में 4 होगा, 8 8 जा 64 होता है इसके आखिर में 4 होगा, 6 6 जा 36 होता है इसके आखिर में 6 होगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, फिर दोबारा हमने एक से लेकर 50 तक अगर स्क्वायर हम देख रहे हैं, हम आगे भी देख सकते हैं, हमने इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर जो इवन नंबर के स्क्वायर होते हैं वो इवन होते हैं, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। जैसे 1 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है, कोई भी देख लो, यहाँ 13 है ये देखो ऑड नंबर आया, ये 23 है ये भी ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आया। तो यानी इवन नंबर के स्क्वायर इवन होते हैं और ऑड नंबर के स्क्वायर ऑड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट निकल ही चुका था। अब देखो क्वेश्चन में द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड इवन वाई, तो रीजन तुम्हें बताना है। तो देखो यहाँ 727 है, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये इवन नंबर है इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, ये ऑड नंबर है स्क्वायर ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, हैं। अब देखो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो जीरो जितने अगर देखो इसमें जीरो है तो इसके स्क्वायर नंबर में जीरो इसके डबल हो जाएंगे, यानी लास्ट में 2 जीरो आएंगे, इसके 2 जीरो हैं तो इसके 400 के जब स्क्वायर निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में 4 जीरो आएंगे, जीरोज आर डबल इन द स्क्वायर्स, ठीक है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं। देखो अगर हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वन वन तो इसका तो कुछ एंगल और ट्राइंगल कुछ बनता नहीं, लेकिन अगर 3 नंबर लेते हैं हम तो इससे एक ट्राइंगल बन जाता है। देखो ट्राइंगल बन गया, अब बेस पहले 1 लिया था फिर 2 लिया, बेस पे 3 लेते हैं तो 3 के हमारा ट्राइंगल ये बनेगा 3 2 1, ठीक है ना। तो इसमें कितने स्टार आ गए, 6 स्टार आ गए। ऐसे यहाँ पर नीचे बेस को 4 लेंगे तो यहाँ पर हमारे स्टार गिनेंगे तो इसमें कितना आएगा 10, इसमें कितना आएगा 15 स्टार आ गए। तो देखो हमारा 1 3 6 10 15। अब देखो अगर हम इन दो नंबर को कंबाइन करें, फर्स्ट तो इसको कंबाइन करें, इसको कंबाइन करें, इसको कंबाइन करें, या इसको कंबाइन करें, तो हमें एक स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है ना। 1 और 3 को कंबाइन करें, या 3 और 6 को कंबाइन करें, या 6 और 10 को कंबाइन करें, या मतलब इन 2 7 वाले नंबर को कंबाइन करेंगे तो स्क्वायर नंबर ही मिलेगा हमारा। अब देखो इसका हम देखते हैं, 1 और 3 को कंबाइन किया तो 4 आया, तो 4 पे देखो हमारा एक स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अगर हमने 3 और 6 को कंबाइन किया तो यहाँ 9, ये भी हमारा स्क्वायर आ गया। ऐसे 6 और 10 को कंबाइन किया तो ये हमारा 16, ये भी हमारा एक स्क्वायर आ गया। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है, ऐसे पैटर्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अब एक चीज़ और है, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, अगर 2 स्क्वायर नंबर दे रखे हैं उनके बीच में कितने नंबर होंगे, तो वो नंबर होते हैं 2n। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, पहले यहाँ पर पता चलेगा, देखो हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर हैं, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, इनके बीच में कितने स्क्वायर हो सकते हैं,
तो इनके स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n, ठीक है ना। इनके बीच में नेचुरल नंबर कितने होंगे, वो 2n होंगे, ठीक है ना। जैसे 9 और 10 के बीच में क्या होगा, n जो होगा हमारा पहला वाला नंबर है होगा, हैं। तो 2 into 9 कितना हो जाएगा, 18 हमारे नेचुरल नंबर होंगे इन दोनों के बीच में। ऐसे 11 और 12 के बीच में 2 into 11 कितना हो जाएगा, 11 टू 22, 22 नंबर होंगे हमारे, ठीक है। और अगर दूसरा वाला देखो, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। अगर देखो इसमें नॉन स्क्वायर कितने होंगे, अब देखो 100 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, तो इनके बीच में हमारा रिलेशन आता है, इनके बीच में आता है 2n+1, ठीक है, 2n+1 आता है। वैसे तो यानी कि अगर 100 इन दोनों के बीच में हमें देखना है तो कितना होगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और प्लस 1 यानी 201 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर हम इसको वैसे भी देखें, इन दोनों को अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हम माइनस लगा दें तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का आंसर आएगा हमारा 1, 101 में से 100 निकाला तो 1 आएगा, तो यानी इसका आंसर ए प्लस बी आएगा, यानी इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर 100 और 101 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 201। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, और फार्मूला तो हमारा ये है ही। अब आती है एक्सरसाइज 6.1। अब देखो सेम अब तक जो कर रहा था वही है इसमें, तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबरों के जो स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ 1 है तो इसका आखिर में भी 1 ही होगा इसका स्क्वायर में, और इसके 2 है तो इसका क्या होगा, 4 होगा, इसका 9 है तो इसका 1 होगा, इसका 3 जा 9 है तो इसके लास्ट में 9 होगा, इसका 4 है 4 16 6 होगा, इसका 7 जा 49 9 होगा, 8 जा 64 4 होगा यूनिट प्लेस, ठीक है। तो इस तरह हम इसके निकालेंगे, 0 है तो 0 रहेगा, 6 जा 36 6 होगा, 5 जा 25 5 होगा, इस तरह हम इसके बाकी वाले भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आता है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियस नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन, तो ये कह रहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हमें बताना कि क्यों है, क्या रीज़न है इसका। तो तुम्हें पता है रीज़न क्या होते हैं, अगर किसी नंबर के आखिर में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 0 के केस में ये है कि 0 अगर देखो 1 है, एक ही 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2 0 है, इवन नंबर में 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब देखो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 7 इसके है ही नहीं, 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर के बीच में 7 है, 3 है ही नहीं, 8 भी हमारा देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन सब में यही लिखना है, सिंस परफेक्ट स्क्वायर कंटेन द यूनिट प्लेस दिस दिस दिस, और अगर इवन नंबर ऑफ 0, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पर 3 0 है तो ये भी हमारा नहीं आ सकता, यहाँ पर 2 है तो ये भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी 3 0 है और यहाँ पर 1 0 है। तो इनके रीज़न जो लिखे हुए हैं इसको देख कर लिख लेना, यही रीज़न हर एक क्वेश्चन के आंसर में देना है, ठीक है ना। तुम्हें याद करना है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब देखो द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से कौन सा स्क्वायर है वो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन नंबर का इवन। तो मैं पहले ही बताया था, देखो यहाँ पर 1 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, यहाँ 6 है तो इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, इसका 9 है तो इसका स्क्वायर हमारा क्या होगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर होगा, इसका 4 है तो इसका स्क्वायर भी हमारा इवन नंबर ही होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग पैटर्न हमें पता करना है, इनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखो 11 है और ये इसका क्या 1, 2, 1, ठीक है ना। अब देखो इस वाले और इस वाले फिगर में, अब हमने 2, 1 के बीच में 0 लगा दिया तो ये 2 तो बिल्कुल ऐसे ही रहना है, 1, 0 लगाया तो 2 के 1, 0 पहले लिख दो, 1, 0 बाद में लिख दो। अगर यहाँ पर 2, 0 बढ़ाए 2, 1 के बीच में, 2, 0 यहाँ, 2, 0 यहाँ। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर भी 4, 0 लगा दो, यहाँ पर भी 4, 0 लगा दो, है ऐसे 1, 2, 1 लिखो, और यहाँ पर देखो कितने 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 के आगे 6, 0 लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर 6, 0 लगाओ, फिर 1 लिखो। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ गया। अब देखो अगला पैटर्न, देखो
अब यहाँ पर देखो 11, ये तो पहला वाला ही है यहाँ पर किया। अब इसने क्या किया कि यहाँ पर जो 2 था इसके एक जीरो तो मतलब 1 1 का तो ये आ गया हमारा, ठीक है ना, ये तो हमारा आ ही गया था, एक जीरो लगाया तो एक एक जीरो लग गया। अब इसने क्या किया, इसके जो 1 1 के बाद जीरो मतलब 2 1 के बीच में 0 1 0 लगा दिया इसने, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पर वही केस है हमारा। तो यहां पर देखो जीरो, यहां पर तो बीच में एक जीरो लगाया, अब ये जीरो तो लगा हुआ है लेकिन एक 10 इसके बाद लगा दिया, ठीक है ना। तो अभी तो यहां पर 2 तक आया था है, लेकिन अब यहां पर 3 तक आएगा। अब देखो यहां पर 1 0 2 0 3 फिर 0 2 0 1, ठीक है ना, 1 के बाद 0 2 फिर 0 3 फिर कम होने लगा 0 2 फिर 0 1, ऐसे अब ने इस 0 के बाद 2 10 लगाए, 1 10 और 2 10, यानी यहाँ पर 3 3 आया था, अब 4 तक आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये वाला हमने 2 10 लगाए, 0 के बाद 2 10 लगाए, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 2 0 3 0 4, एक और आ गया, फिर 0 3 0 2 0 1, ऐसे ही हमने कितने 10 लगाए, देखो 1 2 3 10 लगाए, तो यानी 5 तक जाएगा। तो 0 2 0 3 0 4 0 5 फिर कम होने लगा 0 4 0 3 0 2 0 1, इस तरह। तो ये पैटर्न है, पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है ना, कि स्क्वायर में क्या हो जाता है, ठीक है। अब एक और पैटर्न देखो, ये पैटर्न तो बहुत आसान है, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 1 2 2 और 2 का नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, उसका आ जाएगा 2 2 2 3 6, ये आ गया, और 6 का नेक्स्ट हो गया 7, 3 4 12, 12 का नेक्स्ट हो गया 13, 4 5 20, 20 का नेक्स्ट 21, 5 6 30, 30 का नेक्स्ट 31, 6 7 42, 42 का नेक्स्ट 43, इस तरह ये पैटर्न है, पैटर्न को समझ के हमें करना है। अब देखो हमें बिना ऐड करे इनका सम बताना है, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। अब देखो कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर हैं, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर कर दो 25 नंबर हमारे आएंगे, ठीक है ना, 25 ऑड नंबर हमारे आएंगे, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर हम निकालते हैं तो अगर इनको निकालेंगे तो 25 हमारा आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, तो 10 का अगर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसका इनका सम जो होता है सम ऑफ ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज स्क्वायर ऑफ देयर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर हमने गिने, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 100 आएगा इसका आंसर। ऐसे ये 12 नंबर हैं, तो इनका अगर हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 144 इसका सम आ जाएगा बिना जोड़े, जोड़ के देखोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 49 है सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब 49 को 7 ऑड नंबर के सम में करना है, तो हमें 7 ऑड नंबर ही लिख देने हैं, तो उसका नंबर 49 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही हमें 121 को सम ऑफ 11 ऑड नंबर लिखना है, तो यानी 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख दो, तो हमें हमारा 121 आ जाएगा अपने आप ही बिना हमें ऐड करे, ठीक है। कंसेक्यूटिव 1 से लेके सारे ऑड नंबर लिख दो, तो हमारा उसका सम 11 का 121 आ जाएगा। ऐसे हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर फॉलोइंग, 12 और 13 के बीच के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, 25 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो ये हम पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये क्या होता है, 2n आते हैं हमारे पास नंबर। अब 12 और 13 में सबसे छोटा क्या है, 12 है, तो यहाँ पर n हमारा 12 आएगा, 2n कितना हो जाएगा, 12 2 24 हमारे नंबर आएंगे। ऐसे 25 26 में n 25 हो जाएगा, तो यहाँ 50 हो जाएगा हमारा, 99 100 में n 99 हो जाएगा, तो 198 नंबर हो जाएंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर उनके बीच में, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।